क्या आपको पता है कि कोयले से बिजली कैसे बनती है और क्या होगा अगर आपको एक साथ हजारों या लाखों मच्छर काट ले तो? जानने के लिए बने रहे वीडियो में एंड तक। नंबर वन, दोस्तों पूरे देश में भी कोयले संकट की बात हो रही है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर में कोयले से बिजली बनती कैसे है और बिजली बनाने की प्रोसेस क्या है। तो बिजली बनाने के लिए कोयले को जलाकर तैयार की गई भाप को बिजली बनाने की प्रोसेस में इस्तेमाल किया जाता है। इस भाप के जरिए से दूसरे यूनिट में लगे टर्बाइन को चलाया जाता है। इसके बाद टर्बाइन के जरिए से बिजली बनाई जाती है। अगर टर्बाइन की बात करें तो गोल पंखे की तरह होती है और प्रेशर स्टीम के जरिए से टर्बाइन को चलाया जाता है। तो इसी तरह से हमारे घरों में लाइट आती है। वाव, अमेजिंग। नंबर टू, क्या होगा अगर आपको एक साथ हजारों या लाखों मच्छर काट ले तो? तो क्या शरीर में एक बूंद भी खून बचेगा या नहीं, चलिए जानते हैं। दरअसल मच्छरों में करीब 3500 प्रजातियां होती है, लेकिन मच्छरों में सिर्फ मादा मच्छर ही खून पीती है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर मच्छर पुरुषों को और गर्भवती महिलाओं को या फिर ज्यादा वजन वाले लोगों को ही काटते हैं। और मच्छर ओ ब्लड ग्रुप वाले लोगों को बाकी ब्लड ग्रुप वाले लोगों के मुकाबले दोगुनी रफ्तार से काटते हैं। और अब बात करते हैं अगर आपको 90,000 मच्छर एक साथ काट ले तो क्या होगा। 0.005 मिलीलीटर प्रति मच्छर के हिसाब से देखें तो आपके शरीर से लगभग 450 ml खून निकल जाएगा। इतना ब्लड तो आप रक्तदान में दे ही देते होंगे। और अब बात करते हैं अगर आपको 10 लाख मच्छर एक साथ काट ले तो क्या होगा। अगर आपको करीब 2,20,000 मच्छर ही एक साथ काट ले तो आपके शरीर से 20% खून चला जाएगा, यानी कि आपके शरीर से 5.5 लीटर खून खत्म हो जाएगा और आपके शरीर के कई अंग काम करना बंद कर सकते हैं। नंबर थ्री, क्या आपको पता है कि प्रोग्रामिंग करने वाले आईटी प्रोफेशनल्स हमेशा हेडफोन क्यों पहने रहते हैं? दरअसल प्रोग्रामिंग करते वक्त दिमाग को काम पर फोकस करना होता है, इसलिए प्रोग्रामर्स हेडफोन लगाते हैं ताकि बाहर की दुनिया का शोर, बातचीत और दूसरी आवाजें उनके कानों तक ना पहुंचे। इससे उनका ध्यान नहीं भटकता है और वो अपने काम पर फोकस रखते हैं। नाइस। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वन के जल्दी कंप्लीट होने वाले हम ऐसी मजेदार वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे।